दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एक्स कोबरा कमांडर कोच, बुद्धा ट्रेनिंग सेंटर से व्यासिप नालंदा। आज मैं आपको बताता हूं कि हमारी जो कल का रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें लड़की लोग गई थी, टोटल 14 लड़कियां गई थी, उसमें से 9 पास हुई हैं, 5 फेल हो गए, जिसमें 2 लड़की दौड़ में फेल हुई है, 1 गोला में फेल हुई है, बाकी 2 लड़की वेट में, जो वजन नापा जा रहा है, उसमें फेल हुए। एम आई राइट? यस यस सर। अब बच्चे हमारी 9 लड़कियां जो पास हुई है, बड़े मतलब पैर फट गया, फिर भी बोल रहे कि सर नंबर कम आया है। कितना नंबर है तुम्हारा? 78 है। 78 के लिए जोर से ताली। और इधर आओ, कारण क्या था भाई इसका? लगता क्या सर दिख रहा है, किसी का हाथ में, किसी का पैर में, कैसे पड़ा था? और तो समय आज हम कितना की पहले तो 3 बज गया, तीन बज गया। देखिए, आदमी को लगता है कि थोड़ा सा मुसीबत आ गया, हम मैदान छोड़ के भाग जाए, लेकिन इन्होंने पैर का पूरा नाखून फट गया है दौड़ते समय। उसके बाद ये 3-8 भी करती थी, लेकिन वहां पे फटने के बाद आपका दिमाग में डर बढ़ जाता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। वहां पे इन्होंने हिम्मत का प्रदर्शन किया और फिर भी 3-4 हाई जंप कर लिए। गोला कितना फेंका? गोला इनका 16 फीट पे गया, लेकिन 16 क्रॉस करने के बाद ही आपको 25 नंबर मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा, गोला जो है अगर लाइन पे गिरेगा तो वो पीछे वाला जो मान्य है नंबर वही मिलेगा आपको। ठीक, तो क्या कहना चाहोगे बच्चे हुए जो आदमी सब, इनको क्या कहना चाहोगे? ऑल द बेस्ट। ठीक है, इनका भी 78 है भाई, इनका कैटेगरी एसी में है और 78 है। बर्दिश लाल है, कंजूसी के बाद मिठाई का डिब्बा पड़ा हुआ, कंजूसी वगैरह मिठाई नहीं मिलेगा। ये बताओ तुमको कि क्या क्या दिक्कत हुआ? सर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जैसे यहाँ रनिंग करते थे सेम टू सेम बाहर, रनिंग करने के बाद लगा नहीं कि रनिंग खेले में एनर्जी और बचा हुआ है। अरे चोरी की तुम? नो सर, एनर्जी बचा हुआ कैसे? नहीं मतलब अपना चलता एनर्जी सारा एनर्जी में लगा दी सर। अच्छा। फिर मतलब रनिंग करके आई जैसा है फिर मतलब वैसे ही। और हाई जंप कितना की? हाई जंप सर 3 फीट किया, 3-4 में गया, सर रॉड से चोट लग गया, पैर में बहुत जोर से रॉड में चोट लग गया। और गोला कितना? गोला 16 फीट। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जब आप कहीं भी किसी दो चीज को मजबूत कर लीजिए जिसमें ज्यादा ज्यादा नंबर उठा पाए, बार बार बता रहा लड़का लोगों को। देखिए, इन्होंने 3 फीट हाई जंप किया, लेकिन दौड़ में अच्छा नंबर लिया है और गोला में 25 नंबर लिया है। रनिंग में सर लगता है 2 या 3 सेकंड से ही हम 40 में गए, क्योंकि फर्स्ट टीम गया उसके जस्ट बाद मेरा नंबर आया। हम अपना मतलब होता है पूरा एनर्जी लगा दी, मुझे लगा कि 50 नंबर आ ही गया होगा, लेकिन टीम बैठा तो थोड़ा ये लगा कि नहीं। चले फिर भी 78 नंबर के साथ इनका जोरदार सर। जोर से बोलो। जैसे लोग आप अभी क्या है, भीड़ का एक हिस्सा है, और आप अपने आप को इतना मजबूत करो कि आप जहाँ खड़े हो आपके लिए भीड़ जमा। प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, इसलिए आप लोग इतना बड़ा बने ताकि आपको बताना न पड़े कि आपका नाम क्या है, आपके काम से आपका नाम। एक सिंपल सी बात है, तो हम लोग गुजरते हैं वहाँ से, पैदल जाते हैं, अभी अब तो गाड़ी नहीं चला रहे, बुलेट वुलेट तो सब बंद किया हुआ है, बोलते है अरे ये मास्टर वाला हो, बुद्धा वाला हो, हाथ में चोट लगे पता नहीं कैसे। तो हम तो किसी को नहीं बोलते कि मैं बुद्धा का मास्टर हूँ। मेरी पहचान मुझसे नहीं है, मेरी पहचान आपसे। आप अगर अच्छा करेंगे, आप जहाँ जिस गली मोहल्ले से आते हैं, मेरा नाम अपने आप फैल जाएगा कि हाँ परफॉर्मेंस ठीक है। और इसका एक जीता जाता एग्जांपल है कि जो लड़कियाँ पटना से दौड़ के आ रही करतनी बाग से, उनसे लोग पूछते हैं कौन से जिला की हो, नालंदा, ओ बुद्धा की होगी। कोई लड़की टी शर्ट पहन के तो जा नहीं रही है, तो कैसे पता चला जो वहां पे टीम को की बुद्धा की लड़की? गोला और रनिंग और टोटल मार्क्स, जब से वो 80+ 88 90 आता है, 100 आता है, पहले पूछते नालंदा से हो, बोलती हाँ तो बुद्धा की हो, यही पहचान है।
मैं उम्मीद करूंगा कि जो पहचान इस ग्रुप में लड़की लोगों ने दिलाई है बुद्धा को, उस पहचान को आपकी टीम भी दिलाएगी। बॉयज रेडी? गुड। ये परफॉर्म